एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ एवर यूथ नेचुरल्स गोल्डन ग्लो पील ऑफ मास्क का। अगर आपको फटाफट अपने चेहरे पे ग्लो चाहिए, रेडियंस चाहिए, तो 15 मिनट्स रेडियंस ग्लो पील ऑफ मास्क। अगर आप एक अच्छा पील ऑफ मास्क ढूंढ रहे हैं तो एवर यूथ से बेस्ट कुछ भी नहीं है। और ये बहुत अच्छा सा फील भी देता है, मतलब आपको जब आप लगाएंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि आपका चेहरा ग्लो। सोचोगे मैं कोई ऐड कर रही हूँ या ऐड का उठा के बोल दे रही हूँ, तो नहीं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मुझे पता है कि मैंने बहुत बार लगाया हुआ है, जैसे जब मुझे पार्टी या किसी उसमें जाना रहता किसी भी फंक्शन में, तो मैं इसे यूज़ ज़रूर करती हूँ। यकीन मानिए बहुत ज़्यादा वर्क करता है आपके फेस पे, तो आपको खुद ही इसका फ़र्क जब आप लगाएंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि ये कितना ज़्यादा बेस्ट है। इसको लगाना बहुत इजी भी है, बस आपको क्या करना, आपका फेस जो है अच्छे से वॉश होना चाहिए, उसको क्लीन करिए, और जब वो थोड़ा ड्राई हो जाए तब ये उस पर अप्लाई करिएगा। तो ये पूरा एक सेशन मैंने लिया है, तो ये पूरा एक फेस के लिए होता है। तो इसको पूरा आप लगा लीजिए अपने फेस पे, खाली आई के नीचे न लगाइएगा, अंडर आई नहीं लगाइएगा, और पूरे फेस पे जो है अप्लाई कर लीजिएगा। फिर ये जब पूरी तरह 15 मिनट्स में ड्राई हो जाए तो इसे फोरहेड से जो है इसे वो लगाइए, मतलब छुड़ाइएगा इसको। तो फोरहेड से जब आप करेंगे तो पूरा मास्क अपने आप उतरता जाएगा नीचे तक, वो भी पूरा जैसे दिखाता है वैसे ही उतरता है, कहीं से भी फटता नहीं है, कुछ नहीं होता। तो ये एक जो है शैशे पूरा जो है एक फेस के लिए होता है। कुछ ऐसा आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है। अगर जब ये पूरा ऐसे उतर जाए तो फिर आपको कुछ नहीं करना, पानी से सीधे जाना है और फेस को वॉश कर लेना है। कोई साबुन उबुन नहीं लगाना, कोई सोप या फेस वॉश कुछ भी यूज़ नहीं करना, बस ऐसे इसको जो है पानी से धुल लेना है चेहरे को, और आप खुद ही जो है फ़र्क महसूस करेंगे। उसके बाद आप कहीं भी जा सकते हैं इसको लगा के। ये जो है आपके चेहरे की मतलब ओपन पोर्स जो रहते हैं उनको भी क्लीन करता है, और जो आपके चेहरे पर डर्ट रहती है, चाहे तो आप बाहर से आए तब भी इसे यूज़ कर सकते हैं, कि आपको चेहरे को बहुत अच्छे से क्लीन करता है। ये आपको फ़र्क हो रही महसूस होगा, और मुझे लगता है कि मुझे शैशे ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि जो ट्यूब में आता है वो वैसा फर्क नहीं करता जो शैशे में रहता है, जबकि दोनों चीज़ सेम रहती है। पता नहीं मेरा वहम है कि क्या है, मुझे लगता है कि जो शैशे में होता है वो ज़्यादा वर्क करता है। तो प्लीज़ आप भी ट्राई करिएगा, और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 8 ग्राम है 15 रुपीज़ का। तो आप जब जाइए तो बस एक शैशे लीजिए और अपने चेहरे पर अप्लाई कर लीजिए। तो ये ज़्यादा मुझे इजी लगता है शैशे, क्योंकि ट्यूब में जो रहता है वो रखे रखे थोड़ा सूख भी जाता है, मगर शैशे वाला तो वो नहीं होता, बस एक बार का यूज़ कर रहता, खोलो और फटाक से लगा लो। तो मुझे ही तो बेस्ट लगता है। अगर आपको भी मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।